हमारे चैनल अवस्थी वाइटेलिटी को सब्सक्राइब करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? भरदेवांगन। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं देवरी बंगला डिस्ट्रिक्ट बालोद से हूँ सर। बालोद डिस्ट्रिक्ट से है ये। रायपुर से कितने दूर पड़ता है बालोद? 120 किलोमीटर सर। सर आपका एज क्या है? 42। और क्या करते हैं? वर्किंग ऑफिस वर्क है सर, कंप्यूटर जॉब। अच्छा, और हम किस संबंध में मिले थे पहले? ये लिगामेंट में प्रॉब्लम था सर। लिगामेंट ऐसा है कि मैं फुटबॉल का प्लेयर हूँ जी, तो जी। खेलते समय अचानक से मोच आया, तो मैं सोचा मोच आया करके, लेकिन वो जब धीरे धीरे दर्द चालू हुआ और सारी दिक्कत आई, तो फिर मैं हॉस्पिटल की ओर भागा जी जी। तो हॉस्पिटल में सबसे पहले नांदगांव गया, तो नांदगांव में फिर 2 मंथ ट्रीटमेंट चला। हाँ हाँ। उसमें फिर मेडिसिन से देखे, फिर बोले कि नहीं, मैं बोला मेरे खिलाना है, कैसे खिलाना है आप जानो डॉक्टर। जी जी जी। तो बोले कि ठीक है, एक MRI करा ले, उससे देख के बता पाऊंगा कि भाई आप खेल पाओगे कि नहीं खेल पाओगे। तो फिर मैंने तुरंत MRI कराया, उसके बाद बोले कि नहीं, आपका तो कंडीशन बहुत ही खराब है, थीटर लिगामेंट आपका है, एक ही लिगामेंट से आप चल रहे हो, अगर आप खेलोगे तो आप वहीं पर बैठ जाओगे, ऐसा करके बोल दिया। कितना डैमेज था, कुछ आइडिया आपको? डैमेज उनके बताने हिसाब से ऐसा था कि 80% था। 80%। अच्छा, फिर आप क्या किए उसमें? फिर मैंने सोचा बहुत देर तक क्या किया जाए, तो फिर उन्होंने बोला कि रायपुर में एक हॉस्पिटल है, उसका नाम नहीं बताऊंगा, वहाँ पे जाओ, बाहर से डॉक्टर आते हैं और एक सर्जरी करेंगे, नॉर्मल सर्जरी। हाँ हाँ। लेजर किरण द्वारा। उसके बाद जो है आप 2 से 3 महीना बाद खेलना चालू कर दोगे बोल के। अच्छा। हाँ। और खर्चा सर्जरी का? सर्जरी का उन्होंने बताया था 60-70 हजार कुछ बताया था। अच्छा। लेकिन मैं और पता किया हो तो बताने का है, लेकिन वो जो है 1 लाख से ऊपर चले जाता है, 1 लाख। अच्छा अच्छा। चले जाता है ऐसा करके। ठीक ठीक। फिर मैंने और हायर ट्रीटमेंट की ओर बढ़ा, मैं नागपुर गया, चले गया मैं। नागपुर जाने के बाद फिर वही प्रक्रिया में दिखाया मैं, सर ऐसा ऐसा बात है, मेरे को आप खिलाओगे तब मैं ट्रीटमेंट कराऊंगा बोला, मैं खेलना चाह रहा हूँ, आप कैसे खिलाओगे बोल के। तो उन्होंने एग्जांपल बताया कि भाई ये इंडियन है और ये फॉरेनर है, तो ये चीज लगाऊंगा तो फिर आप खेल पाओगे, ऐसा करके। मेरे साथ एक मित्र भी थे, उनको भी लेके गया था, बोले इनका प्लेइंग का काम नहीं है, ये तो नॉर्मल इंडियन से ही ठीक हो जाएगा, काम चल जाएगा। लेकिन आपके लिए मैं फॉरेनर चीज लगाऊंगा, 1,25,000 का कुछ बताया थे। हाँ। वो बजट लगेगा, और अंदर अगर कुछ और दिक्कत आई तो बात अलग है, लेकिन अभी आपका जो है ये लगेगा। अच्छा। ऐसा करके। ठीक ठीक। MRI वगैरह कितनी करवाए थे आप? मैं फर्स्ट टाइम उसी समय करवाया था, मैं नांदगांव जब गया था स्टार्टिंग में, उसी समय करवाया था, उसी MRI से चल रहा था, और एक बार एक्सरे करवाया था स्टार्टिंग में जब लगा था। अच्छा, हमारे यहाँ हम कब संपर्क में आए थे अपन लोग? ये 2 महीना करीब हो रहा है सर, आपके पास जब आया मैं तो कंडीशन कुछ अलग था कि इसमें पैर में जकड़न, ये जैसे आधा घंटा बैठ गए तो थोड़ा लंगड़ाहट पना और दर्द वगैरह उठ जाता था थोड़ा सा। तो फिर मैंने आपसे बातचीत किया, तो फिर आपके जो ट्रीटमेंट है वो एक्सरसाइज की मोड के ऊपर ज्यादा है, एक्सरसाइज आप बताए कि आप 2 एक्सरसाइज करोगे तभी मैं आपको जो है दवाई दूंगा करके। हाँ हाँ। अदरवाइज आपको नहीं दूंगा करके। तो मैं किया कैसे था ये भी बता दो, मतलब दवाई, इंजेक्शन, सर्जरी, क्या हुआ हमारे यहाँ? आपके यहाँ सर कुछ नहीं, बस आप 1 से 1.5 घंटा हमको समय दिए, इसमें क्या चीज करना है क्या चीज नहीं करना है वो हमको अच्छे से समझाया, जो आज तक किसी डॉक्टर के पास समय नहीं रहता। ठीक है, है ना, जो भी फीस तो लेते ही है कॉमन जो है। हाँ, लेकिन हाँ, आओ और जाओ वाला हिसाब रहता है, लेकिन आपने हमको 1.5 घंटा दिया और अच्छे से समझाया क्या चीज करना है और क्या चीज नहीं करना है। जी जी। और तो मैं चीज भी बोला कि भाई मेरे खेलना है, तो आप बोले कि जब मैं बोलूंगा तब खेलना, मैं आपको खिलाऊंगा। हाँ। लेकिन एक समय के बाद खेलना, ऐसा करके। हाँ। और उसके बाद फिर आपका जो ट्रीटमेंट 2 एक्सरसाइज पहले बताए थे सर आप, एक साइकिलिंग और एक पैर में वजन लेके आपको उठाना, ऐसा करके। हाँ, हाँ। उसको मैंने कंटिन्यू किया, और जो 3 बोतल जो आप दिए थे टॉनिक जो है उसको आपके सलाह के हिसाब से लिया मैं, आज मैं बेटर महसूस कर रहा हूँ, पहले नॉर्मल कंडीशन में था उससे कहीं ज्यादा बेटर महसूस कर रहा हूँ सर। ये कोई फोर्स में तो नहीं बोल रहे ना? नहीं नहीं नहीं, ये जो सेक्चर से बोल रहा हूँ सर। हाँ। हंसते हुए बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है। जी जी जी। इसको हम कहीं प्रचार के लिए प्रयोग करें, कोई दिक्कत आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर इसमें, जन सेवा में मैं इसके लिए रहता हूँ सर, में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे और 10-12 पेशेंट भी रहेंगे तो भी आपको लेके जाऊंगा सर। जी जी, चलिए, थैंक यू सर। जी 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 जी, थैंक यू। ओके सर, ओके, थैंक यू।